नमस्कार। संतोष जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते संतोष जी। सम्माननीय हाँ बोलो। आप तो जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपने पानी को प्राथमिकता दी, आपने लोगों को जगाया, लोगों को दौड़ाया और बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। तो मैं सिर्फ आपके विचार सुनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं, पूरा देश आपका विचार सुनना चाहता है, आपका अनुभव सुनना चाहता है। तो बताइए, जल शक्ति अभियान के पहले हमारे गांव में बारिश कम थी, पानी कम था, गांव में पानी का टैंकर आता था पीने के लिए। जल शक्ति अभियान में नए नए स्ट्रक्चर बने, जैसे कि सीसीटी, डीप सीसीटी, शेतले हो गए और जो हमारा तालाब है उसका दुरुस्ती हो गया। बारिश आगे जाके बारिश हुई, बारिश होने के बाद हमारे जो पानी का स्रोत है वो बढ़ गया, कुएं में कुएं का पानी ऊपर आ गया और हमारी पुरानी पीक पद्धति थी जवार बाजरे, उसमें बदल हो गए, शुगर केन जैसे पीक पद्धति आ गई, उससे हमारे और पानी का वाटर टैंकर बंद हो गया अभी इस साल हमारे गांव का, और हमारे आगे जाके वाटर हार्वेस्ट और आर्थिक जीवन मान हमारा ऊंचा होने लगा है अभी। और हमने खाली इस काम से खेती किस चीज की होती है संतोष जी? हाँ, ज्यादा खेती किस बात की होती है? हमारे इधर ज्यादा खेती पहले धान की होती थी, अभी हमारे इधर फ्रूट होने हैं, अंजीर सीताफल जैसे फ्रूट लगे हैं, शुगर केन लगे हैं। अगर शुगर केन लगाओगे तो फिर तो पानी बहुत लगेगा। हाँ, पानी हो गया है सर जी इस साल। देखिए संतोष जी, देखिए यही गलती कर दी आपने, इतनी मेहनत की, इतना पानी बचाया और अगर शुगर केन की खेती में चले जाएंगे तो शुगर केन को तो बहुत पानी लगता है, तो बाकी किसानों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने शुगर केन में स्प्रिंकलर का या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करते हैं? हाँ, वही तो, अभी हमने ड्रिप लगाया है, स्प्रिंकलर लगाए शुगर केन की खेती में, प्याज की खेती भी हमारे इधर और फ्रूट की खेती भी बढ़ गई है। देखिए, हमारे किसानों के मन में एक धारणा बन गई है कि शुगर केन की खेती जब तक लबालब पानी नहीं भरा है तब तो होती नहीं है, ये भ्रम दूर करना पड़ेगा। जैसे पानी बचाने का अभियान आपने किया है, वैसे ही पानी उपयोग करने का भी अभियान करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है इतना पानी उपयोग करने की, खेती में भी जरूरत नहीं है, बूंद बूंद पानी से बहुत कुछ होता है। तो आप इसको, हमारे इधर ड्रिप का प्रमाण ज्यादा है सर जी। हाँ, तो आप सिखाओगे लोगों को? हाँ। चलिए संतोष जी, आपको सुनकर के बहुत संतोष हुआ, मेरी तरफ से आपको भी बधाई और आपके क्षेत्र के लोगों को भी बधाई कि जिन्होंने आपके नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। धन्यवाद।